मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। कुछ लोग मोहब्बत को अपनी ज़िद बना लेते हैं और ज़िद से हासिल की हुई मोहब्बत कभी खुशी नहीं देती। वो मर्द बनो जिसे औरत चाहे, वो नहीं जैसे औरत चाहे। जिस इंसान में सच सुनने की ताकत ना हो उस इंसान से गुफ्तगू करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हर बात को गलत करार देकर अपनी गलतियों पर भी आपको कसूरवार ठहरा देगा। अगर कोई मर्द आपकी कही हुई हर बात को बर्दाश्त करता है तो उसका मतलब है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत अहमियत देता है। याद रखिए, हर मर्द औरत की बात बर्दाश्त नहीं करता। ज़्यादा मोहब्बत और परवाह करने वालों के हाथ में कुछ नहीं आता, न रिश्तों की मिठास, न उनका एहसास, न ही उनकी कदर की जाती है। बस एक ज़हनी फरेब सा रहता है कि वो भी हमारे साथ वैसे ही हैं जैसे कि हम, लेकिन हकीकत बड़ी ही दिलहराश होती है। जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है वो आपको ज़हनी अज़ियत नहीं देता, वो आपकी गलतियां नहीं पकड़ता, वो आपके सामने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखता जिसे आप पूरा न कर सकें। वो आपको परेशान नहीं करता, उदास नहीं करता, वो आपको समझता है। ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जिन्हें हम चाह कर भी अपनी याददाश्त से नहीं मिटा सकते। मुझे इख्तलाफ़ है उन लोगों से जो कहते हैं कि वक्त हर जख्म का मरहम है। अच्छे लोगों को अगर कोई दुख भी दे तो वो खामोशी से सब सह लेते हैं, लेकिन तन्हाई में वो रोते हैं, क्योंकि वो भी इंसान ही होते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जज्बात इनके भी होते हैं। लिहाज़ और अजनबी औरत की इज्जत बड़ी सी बड़ी डिग्री भी नहीं सिखा सकती। अगर से सिखा सकती हैं तो सिर्फ घर की तरबियत। प्यार करना आसान, निभाना मुश्किल। छोड़ देना बहुत मुश्किल और बुला देना नामुमकिन है। अकल इंसान में तब तक रहती हैं जब तक पकड़ नहीं होती। जब पकड़ होती है तो सारी अकड़ टूट जाती है। हज़ारों गलतियों के बावजूद आप अपने आप से प्यार करते हैं तो फिर किसी एक गलती पर उससे नफ़रत क्यों करने लगते हैं? जिस चीज़ को तुम बदल न सको इसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया करो, मगर अपनी किसी भी ख्वाहिश तक वो जुनून मत बनाना, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें कभी नहीं मिल सकती। चाहे हम कितना भी रोएं, चिल्लाएं या फिर बच्चों की तरह एड़ियां रगड़ें, क्योंकि वो चीज़ होती है दूसरों के लिए होती हैं, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि ज़िंदगी में हमारे लिए कुछ होता है ही नहीं, कुछ ना कुछ हमारे लिए भी होता है। शायद मैंने कुछ ऐसा मांग लिया था जो मेरे हक में बेहतर नहीं था, वरना भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आधी आधी रातों को उठकर सिसक सिसक कर रोक रोक कर उस अल्लाह से कुछ मांगूं और वो न दें।
अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।